आज हम लोग प्रोजेक्ट मैनेजमेंट में, प्रोजेक्ट अप्राइजल में सोशल कॉस्ट बेनिफिट एनालिसिस के बारे में पढ़ेंगे। व्हाट इज द सोशल कॉस्ट बेनिफिट एनालिसिस, इसमें हम लोग जो है ऑब्जेक्टिव्स के बारे में स्टडी करेंगे, इंट्रोडक्शन के बारे में स्टडी करेंगे। व्हाट इज द रेशनल ऑफ द स्टडी ऑफ द सोशल कॉस्ट बेनिफिट एनालिसिस, सोशल कॉस्ट बेनिफिट एनालिसिस का, हर एक प्रोजेक्ट का एनालिसिस करने से क्या बेनिफिट्स है, व्हाट इज द रेशनल, उसके बारे में हम लोग स्टडी करेंगे। व्हाट इज द मार्केट इम्परफेक्शन, मार्केट इम्परफेक्शन क्या है, उसके बारे में स्टडी करेंगे। व्हाट इज द यूनिटी ऑफ अप्रोच फॉर द सोशल कॉस्ट बेनिफिट एनालिसिस ऑफ द प्रोजेक्ट, यूनिटी ऑफ अप्रोच सोशल कॉस्ट बेनिफिट एनालिसिस का क्या है, उसमें हम लोग सेट ऑफ प्राइसिंग निकालेंगे और कॉन्सेप्ट ऑफ द क्रेडिबिलिटी निकालेंगे और सोर्सेस ऑफ द सेट ऑफ प्राइसेस निकालेंगे। What are the methodology followed by the financial institution about the social cost benefit analysis? Financial institution जो study करती है वो किस तरह study करती है किसी project के बारे में, उसके बारे में हम लोग यहाँ पर study करेंगे। और ये financial institution का study किसी भी project के लिए आपको decide रखता है, मायने रखता है। कोई भी फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन आपको बिल्कुल उसको सही जानकारी होती है कि इंडिया में कौन सारे प्रोजेक्ट चल रहे हैं, कौन सारे लॉसेस में चल रहे हैं, कौन में कितना डेप्ट है, कितना जो है उस पर आपको प्रॉफिट आ रहा है, कौन जो लोन लिया हुआ है कितना, ये फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन का काम है। फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन बिल्कुल क्लियर आइडिया किसी कंपनी के बारे में रखती है। तो ये सोशल कॉस्ट बेनिफिट एनालिसिस फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन के थ्रू किसी भी प्रोजेक्ट का आपको हो जाएगा। लिटिल मिररलेस अप्रोच, इसके बारे में हम स्टडी करेंगे। देन द समरी, व्हाट आर द कीवर्ड्स आर देयर, व्हाट आर द रिव्यू क्वेश्चंस एंड व्हाट आर द फर्दर रीडिंग इन द केस ऑफ द सोशल कॉस्ट बेनिफिट एनालिसिस। फर्दर रीडिंग में आपको कहां कहां क्या पढ़ना है, अगर सोशल कॉस्ट बेनिफिट एनालिसिस में आपको प्रोजेक्ट करना है, आपको कोई रिसर्च पेपर लिखना है, तो फर्दर रीडिंग का जितने आपको मटेरियल्स दिए हुए हैं उसके बारे में आप स्टडी कर लीजिए। एंड रिव्यू क्वेश्चंस आपको दिए हुए हैं जो कि आपको यूनिवर्सिटी में, आपको डिफरेंट यूनिवर्सिटी में आपको आते हैं। तो दीज आर द ऑब्जेक्टिव्स ऑफ द टूडे स्टडी ऑफ द सोशल बेस्ड सोशल कॉस्ट बेनिफिट एनालिसिस ऑफ द प्रोजेक्ट। हम लोग प्रोजेक्ट अप्राइजल के बारे में कह रहे हैं कि पहले प्रोजेक्ट अप्राइजल करना चाहिए, हर एक एंगल से प्रोजेक्ट अप्राइजल कीजिए कि भाई प्रोजेक्ट जो लगाना है उसका पहले से ही अप्राइजल लगा दीजिए, क्योंकि आप फाइनेंस लगाएंगे, फाइनेंस के पहले लगाने के पहले वो सारा अप्राइजल कर लीजिए। रेशनल फॉर द सोशल कॉस्ट बेनिफिट एनालिसिस इज देयर सर। हाँ बताइए, अप्राइजल क्या है, क्या कह रहे अप्राइजल सर की बात बताइए, क्या है ये अप्राइजल, अप्राइजल अप्राइजल सर। अच्छा, प्रोजेक्ट अप्राइजल, प्रोजेक्ट अप्राइजल का मतलब है प्रोजेक्ट को जो रिव्यू करना, प्रोजेक्ट का एनालिसिस करना। ये जो आपको ये मेथड दिए हुए हैं, जो हम लोगों ने मार्केट एनालिसिस किया, टेक्निकल एनालिसिस किया, ये प्रोजेक्ट अप्राइजल है। प्रोजेक्ट को जो है एनालिसिस करना, एनालिसिस बोल सकते हैं। तो ये किसी प्रोजेक्ट को लगाने के पहले अगर ये आप एनालिसिस आप कर लेंगे ना, अप्राइजल कर लेंगे ना, तो आपका प्रोजेक्ट कभी आपको फेल्योर नहीं होगा, यही कहने का मतलब है ना। जो आपको मेथड यहाँ पे आपको दिया हुआ है
इस मेथड से आप कोई भी प्रोजेक्ट, अक्सर जो है आप सुनते होंगे कि स्मॉल स्केल इंडस्ट्री है वो घाटे में चल रही है। कल मैंने आपको टेक्निकल एनालिसिस का आपको बताया हुआ था, तो उसमें आपको क्लियर कट मैंने बता दिया था कि वो टेक्निकल एनालिसिस करते नहीं है, अपना कंपनी का जो है एनालिसिस करते नहीं है, इसी से वो घाटे में चल रही है, कंपनी बंद हो रही है। इंडिया के पब्लिक सेक्टर के बारे में आप जो है उसको आप डेली न्यूज में सुन रहे हैं कि ये पब्लिक सेक्टर बंद हो गया जी, यहाँ पर कोई रिक्रूटमेंट नहीं है, ये घाटे में चल रही है, ये लॉसेस हो रहे हैं। कारण वही है, उन्होंने अप्राइजल सीट ढंग से वो नहीं कर रहे। मार्केट एनालिसिस में 5C एनालिसिस बताया हुआ था, शॉर्ट एनालिसिस बताया हुआ था, वो अगर कंपनियां करेगी तो कभी भी आपको कोई कंपनी आपको फेलियर नहीं होगी। ये जो प्रोजेक्ट अप्राइजल है ना, ये मल्टीनेशनल कंपनी अपना अच्छी तरह करती है और बिग कंपनी अपने यहाँ रखती है, और उससे जो है उनका आपको मल्टीनेशनल कंपनी का आपको सक्सेस हो रहा है। आज गाड़ियां आना आपको इंडिया में बंद तो नहीं हो गया, आपकी एम्बेसडर गाड़ी बंद हो गई, फिएट गाड़ी बंद हो गई, यार गाड़ियां तो बंद नहीं हो गई। तो इसमें आपको यही है आपको कि ये सारे अप्राइजल करने के बाद आपका जो प्रोजेक्ट है, प्रोजेक्ट का एनालिसिस करने के बाद है ना, तो आपका प्रोजेक्ट कभी फेलोवर नहीं हो। देखिए ये यहां पर आपको साफ लिखा हुआ है, इट रिफर्स टू द स्टडी ऑफ द फिजिबिलिटी ऑफ ए प्रोजेक्ट, फिजिबिलिटी ऑफ द प्रोजेक्ट, प्रोजेक्ट आपका फिजिबल है कि नहीं है। आप करोड़ों रुपये आप किसी प्लांट को खोलने में लगा रहे हैं, तो उसमें आपको टोटल इकोनॉमिक बेनिफिट्स आपको आएगा नहीं आएगा, ये आपको पहले प्रोजेक्ट लगाने के पहले ये सारे अप्राइजल कर लीजिए। टोटल कॉस्ट लगा रहे आपको, एक्सटर्नल कॉस्ट क्या है, प्राइवेट कॉस्ट क्या है, आप एक्सटर्नल बेनिफिट, प्राइवेट बेनिफिट और टोटल सोशल बेनिफिट, ये सारा आप कर लीजिए। अब आपको जो अप्राइजल जो आप टर्म पूछ रहे थे उसका आपको आपको क्लियर हो गया होगा। प्रोजेक्ट का एनालिसिस करना, ये आपको इसमें आपको सारे एंगल दिए हुए हैं। मार्केट एनालिसिस हम लोगों ने किया, टेक्निकल एनालिसिस हम लोगों ने किया, सोशल कॉस्ट बेनिफिट एनालिसिस आज बात कर रहे हैं, फिर जो है एनवायरमेंटल एनालिसिस है, और ये सारे एनालिसिस करने के बाद प्रोजेक्ट आपका फेल नहीं होता है ना। प्रोजेक्ट फेल होता है तभी जबकि आप पूरी तरह प्रोजेक्ट का आपको जो है एनालिसिस नहीं कर रहे हैं, तो आपको आपको फेल हो रहा है। आप द व्हाट इज द रेशनल ऑफ द सोशल कॉस्ट बेनिफिट एनालिसिस, देखिए यहां पर साफ डिफिनेशन दिया हुआ है, इट मींस द एनालाइज द सोशल कॉस्ट एंड टोटल सोशल बेनिफिट इफ यू एक्सेप्ट एनी ऑफ द प्रोजेक्ट। सोशल बेनिफिट आपको निकालना है, सोशल बेनिफिट हो रहा है कि नहीं हो रहा है। हम कोई आइटम को खरीद रहे हैं उससे हमको फायदा हो रहा है नहीं हो रहा है, सोसाइटी को फायदा हो नहीं हो रहा है कि नहीं हो रहा है। आपने एम्बेसडर गाड़ी क्यों छोड़ दिया, फोर्ड को क्यों ले लिया, क्योंकि वो सोशल बेनिफिट आ रहा है आपका। तो ये आपको सोशल कॉस्ट बेनिफिट एनालिसिस है, रिटर्न कितना आ रहा, बेनिफिट ऑफ द इन्वेस्टमेंट वो कितना आ रहा, फ्रॉम द पॉइंट ऑफ व्यू ऑफ द सोसाइटी इन विच वी आर लिविंग उससे कितना आपको आ रहा है। वी एनालाइज द कंपेयर ऑफ द गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर विद द टोटल बेनिफिट ऑफ द सोसाइटी। अल्टीमेटली किसी प्लांट के लगने से व्हाट आर द सोशल बेनिफिट्स आर देयर, उसको आपको इनकाउंटर करना है। सोशल बेनिफिट्स आपको क्या हो रहा है उसको आपको आपको इनकाउंटर करना है। इट इज ए गुड टेक्निक ऑफ द फाइनेंशियल इवोल्यूशन ऑफ द प्रोजेक्ट बिकॉज वी लीव द प्रोजेक्ट व्हिच बेनिफिट टू द सोसाइटी आर लेस देन द टोटल कॉस्ट व्हिच विल द सोसाइटी टू बिकॉज ऑल रिसोर्सेस फ्रॉम द सोसाइटी। सोसाइटी को बेनिफिट होना चाहिए। व्हाट आर द सोशल कॉस्ट, कोई भी आइटम को आप ले रहे हैं तो आप जब भी खरीदते हैं तो आपको आपको लगता है कि हम कोई मोबाइल ले रहे हैं, कोई ले रहे हैं तो उससे हमारा सोशल जो है बेनिफिट हो रहा है, उसे उसे हमें कोई कह नहीं रहा है कि ये मोबाइल लिया वो खराब है। तो सोशल बेनिफिट्स को आप देखिए, सोशल कॉस्ट को देखिए कि वो सोशल कॉस्ट आपको कितना हो रहा है।
ये वो पब्लिक को आ रहा है कि नहीं आ रहा है ना. व्हाट आर द मार्केट इम्परफेक्शन. मार्केट को रेट्स को आप पकड़िए. रेगुलेशन फॉर द प्रोवाइडिंग द मैक्स मिनिमम वेज फैक्टर. आप कहीं प्लांट लगाएंगे तो कहीं प्लांट लगेगा तो वहां का जो पीपुल है उसको बेनिफिट होगा, उसको जो है जॉब मिलेगा. तो व्हाट आर द मिनिमम वेजेस दैट द कंपनी सीज दैट ही कैन पे, है ना. तो प्रोवाइडिंग फॉर द हरियाणा में जो मिनिमम वेज कंपनी कितना दे रही है, वो जो है मिनिमम वेजेज वो आपको वहां पर आपको देगा. फॉरेन एक्सचेंज रेगुलेशन फैक्टर. वी हैव टू डील विद द करेंसी रेट विद द एक्चुअल मार्केट रेट ड्यू टू द रेगुलेशन ऑफ द फेरा फॉरेक्स. रेशनिंग फैक्टर. रॉ मटेरियल प्राइसेस आर द कंट्रोल बाय द गवर्नमेंट में इंक्रीज द प्रोजेक्ट कॉस्ट. अभी मार्केट में जीएसटी आपको लगा दिया है, वो आपको रेशनिंग फैक्टर है. दिस इज कंट्रोल बाय द गवर्नमेंट. गवर्नमेंट जो है आपको प्राइसेस को डिसाइड करती है कि जीएसटी कितना लगा दिया, वो उसी रेट पे आपको कंपनी को आपको लेना पड़ेगा, है ना. तो ये आपको मार्केट इम्परफेक्शंस है. दूसरा आपको एक्सटर्नलिटी है. एक्सटर्नलिटी आर द नॉन कैश बेनिफिट्स व्हिच एन ऑर्गेनाइजेशन सफर अ गेट इफ स्टार्ट द प्रोजेक्ट, है ना. नॉन कैश बेनिफिट है एक्सटर्नलिटी. कोई भी प्रोजेक्ट लगता है, फैसिलिटी लगता है, तो प्रोजेक्ट लगने के बाद वहां पर रोड बन जाता है, है ना. तो ये आपको एक्सटर्नलिटी को यहाँ पर आपको देखता है कि आपको वहां पर आपको रोड बन जाता है. टैक्स एंड सब्सिडी के बारे में आप स्टडी कीजिए. डिफरेंट गवर्नमेंट आपको स्टेट का टैक्स एंड सब्सिडी की आपको क्या क्या दे रही है. आप हिमाचल में प्लांट लगाते हैं, उत्तराखंड में लगाते हैं, आपको महाराष्ट्र में लगाते हैं, कहाँ आपको किस तरह का टैक्स में और सब्सिडी में गवर्नमेंट से मिल रहा है. सब्सिडी देना, टैक्स एंड सब्सिडी देना, प्रमोट करना सबसे गवर्नमेंट का जो है सबसे अच्छा काम है. गवर्नमेंट का जो प्लानिंग है, आपको जो गवर्नमेंट का प्लानिंग है वो दिस इज अबाउट द टैक्स एंड सब्सिडी. गवर्नमेंट को ऐसा करना चाहिए कि आपको यहां पर फैक्ट्री लगाना है, हमको डिफरेंट टाइप के टैक्सेस लगते हैं, वो टैक्सेस हम कम कर देते हैं. इलेक्ट्रिसिटी बिल का वो हम कम कर देते हैं, जो आपको डिफरेंट टैक्स है वो हम कम कर देते हैं. आपकी आपकी प्लांट अगर अच्छा कर रही है, स्टेट में अच्छा कर रही है, हम सब्सिडी प्रोवाइड कर देंगे, सब्सिडी में आपको रॉ मटेरियल दे देंगे. तो टैक्स एंड सब्सिडी इज द वन ऑफ द बेस्ट मोटिवेटिंग फैक्टर फॉर द प्रोजेक्ट. टैक्स एंड सब्सिडी पे हमारे कई पेपर जो है आप उसको सर्च कर सकते हैं, हमारे आए हुए हैं. टैक्स एंड सब्सिडी, आरएनडी सब्सिडी, आप उसमें डाल दीजिएगा गूगल में, वो आ जाएगा. टैक्स एंड सब्सिडी जो है वो प्रमोट करता है. कोई भी आदमी जो इंडस्ट्री लगाता है ना, उसको अगर सब्सिडी किसी तरह का मिल गया ना, रॉ मटेरियल की सब्सिडी मिल गई, किसी तरह की मिल गई, तो वो वहीं पे प्लांट लगाएगा और वो मोटिवेट हो जाता है. तो ये टैक्स एंड सब्सिडी की जो पॉलिसी है सबसे बेस्ट पॉलिसी है अब जो है. तो ये आपको यहां पर आपको आता है. व्हाट इज द नेट बेनिफिट ऑफ द सोसाइटी फ्रॉम द प्रोजेक्ट. नेट बेनिफिट आपको क्या आ रहा है. नेट बेनिफिट ऑफ द प्रोजेक्ट इन टर्म ऑफ द इकोनॉमी. जो सोसाइटी को कहीं पे प्लांट लगता है ना, तो वहां की जो सोसाइटी है उसको बेनिफिट मिलता है. तो वो प्रॉफिटेबिलिटी प्रोजेक्ट से आपको क्या आ रहा है. कोई भी प्लांट कहीं पे लगेगा तो वहां के लोगों को जॉब मिलेगा, वहां जो है ट्रांसपोर्टेशन आपको सुधर जाएगा, वहां का जो है इलेक्ट्रिसिटी आपको सुधर जाएगा, वहां हर एक तरह की फैसिलिटी आपको सुधर जाएगा. तो व्हाट इज द उसका इकोनॉमी में सोशल बेनिफिट्स जितना ज्यादा रहेगा ना, वो प्लांट उतना सर्वाइवल करेगा. पीपुल विल लाइक दैट दैट प्लांट विल रिमेन हियर. पीपुल को फायदा होगा ना, द पीपुल जो है ऑटोमेटिकली जो है वो चाहेगा कि वो प्लांट और ग्रो करे.
एक प्लांट इसने लगाया, दूसरा प्लांट भी लगा दे, सारे सारे लोगों को इम्प्लॉयमेंट मिल जाएगा और जो है हमारा गांव जो है सुधर जाएगा। तो ये जो है आपको सोशल बेनिफिट है, सोशल बेनिफिट है, इम्पैक्ट ऑफ द प्रोजेक्ट ऑन द इनकम डिस्ट्रीब्यूशन, टोटल नेट बेनिफिट ऑफ द सोसाइटी टू द प्रोजेक्ट। To know the effect of using one more unit of the resources, with set of prices, we know the effect of the using one more unit. Yeah, this is your of the set of pricing is the decision of the project manager. Extra unit of the resources. Economic analysis करना आपको जरूरी है. Economic analysis. इन्वेस्टमेंट ऑफ द प्रोजेक्ट फॉर द इकोनॉमी ऑफ द होल कंपनी, ये आपको जरूरी है। हर एक इंडिविजुअल प्रोजेक्ट को नेशनल ऑब्जेक्टिव पे, एलोकेशन ऑफ द रेशियो सेक्टर पे आप उसको इवेल्युएट कीजिए। व्हाट इज द रेशनल ऑफ द सोशल कॉस्ट बेनिफिट एनालिसिस, ये आपको सोशल कॉस्ट को निकालता है कि सोसाइटी को फायदा क्या है, सोसाइटी को जो है कोई भी प्रोजेक्ट लगने से, कोई भी प्लांट लगने से सोसाइटी का आपको फायदा क्या है। अगर सोसाइटी का पहले आप प्रॉफिट निकाल लीजिएगा ना, तो कोई घबराएगा नहीं, बाहर से मल्टीनेशनल कंपनी आएगी कोई घबराएगा नहीं। तो सोसाइटी को ये आपको सोशल कॉस्ट आपको निकालना पड़ेगा कि सोसाइटी को बेनिफिट क्या है। दूसरा, प्रिंसिपल सोर्सेस ऑफ द डिस्क्रिपेंसी आर द मार्केट इम्परफेक्शन, उसके बारे में हम लोगों ने बात किया, एक्सटर्निटीज के बारे में बात किया, टैक्स एंड सब्सिडी के बारे में बात किया, कंसर्न फॉर द सेविंग के बारे में बात किया, कंसर्न फॉर द रीडिस्ट्रीब्यूशन के बारे में बात किया। ये आपको सोशल कॉस्ट बेनिफिट एनालिसिस है। मार्केट इम्परफेक्शन, मार्केट प्राइसेस रिफ्लेक्ट द सोशल वैल्यू अंडर द कंडीशन ऑफ द परफेक्ट कंडीशन। हरियाणा आज जो है रिच स्टेट बन गया, क्यों बन गया, क्योंकि वहां पे मारुति है, होंडा है, जेसीबी है, कई कंपनियां हैं, तो दिस बिकम द वन ऑफ द रिचेस्ट स्टेट। तो इससे आपको सोशल बेनिफिट हो जाता है ना। तो इसमें सोशल बेनिफिट में आपको मिनिमम वेजेस के बारे में डिस्कस करना है, फॉरेन एक्सचेंज रेगुलेशन के बारे में डिस्कस करना है, एक्सटर्नल बेनिफिट आपको यहां पर आपको बताया हुआ है ना, टैक्सेस एंड सब्सिडी के बारे में आपको बताया कि टैक्सेस आर द मनी कॉस्ट, सब्सिडी आर द मनी गेन्स। सब्सिडी आपको मनी गेन्स, ये गवर्नमेंट की पॉलिसी होना चाहिए। कोई कंपनी अभी यहाँ पर लगेगा या पर या उसकी उसकी प्रोडक्टिविटी बढ़ रही है, उसको सब्सिडी प्रोवाइड किया जाए। वी विल प्रोवाइड द कंपनी टू द रॉ मटेरियल ऑन द सब्सिडी, वी विल प्रोवाइड द इलेक्ट्रिसिटी बिल ऑन द सब्सिडी, वी विल प्रोवाइड फॉर द रोड टैक्स ऑन द सब्सिडी। तो ये आपको सोशल कॉस्ट बेनिफिट एनालिसिस है। This is the social cost benefit analysis. Unit of approach or the little marriage approach, calculation of the financial profit measured at the market prices. Financial profitability निकालना जरूरी है किसी कंपनी को, तभी वो कंपनी आपको ग्रो होगा। नेट बेनिफिट ऑफ द प्रोजेक्ट इन टर्म्स ऑफ द इकोनॉमिक प्राइसेस, ये आपको निकालना जा रहा है। इम्पैक्ट ऑफ द प्रोजेक्ट ऑन द सेविंग एंड इन्वेस्टमेंट के आपको क्या होगा वो आपको निकालना है। इम्पैक्ट ऑफ द प्रोजेक्ट ऑन द इनकम डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ द पीपुल, इम्पैक्ट ऑफ द प्रोजेक्ट ऑन द मेरिट गुड्स एंड द डिमेरिट गुड्स, व्हाट आर द मेरिट गुड्स आर देयर, उसका इम्पैक्ट क्या हो रहा है सोसाइटी पे। तो ये आपको पांच स्टेजेज आपको 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 बता रहा है। है ना, तो ये आपको सेट ऑफ प्राइसिंग,
इन टर्म्स ऑफ द कंजम्पशन विथ रेफरेंस टू द एनी ऑफ द ग्रुप, ये आपको आपको शेडो प्राइसिंग आपको बताता है। यूनिट ऑफ द करेंसी डोमेस्टिक और फॉरन, आपको किसको आपको वैल्यू बढ़ रहा है कि नहीं बढ़ रहा है, तो इसके बारे में आपको बताता है। जो आपके ट्रेडेबल गुड्स हैं, आपको इंटरनेशनल प्राइसेस ऑफ द कॉस्ट ऑफ द कंट्री पे मिल रहा है कि नहीं मिल रहा है, ये आपको यहाँ पर आपको बताता है। दीज आर द सोर्सेस ऑफ द शेडो प्राइसेस, इंक्रीज और डिक्रीज द टोटल कंजम्पशन इन द इकोनॉमी, आपको हो रहा है कि नहीं हो रहा है। डिक्रीज और इंक्रीज इन द प्रोडक्शन ऑफ द इकोनॉमी, ये आपको हो रहा है कि नहीं हो रहा है। इंक्रीज और डिक्रीज इन द एक्सपोर्ट और इम्पोर्ट, ये आपको हो रहा है कि नहीं हो रहा है। है ना, तो ये आपको सोर्सेस ऑफ द शेडो प्राइसेस है। तो अब मैं पहले आपका अटेंडेंस आपका ले लेता हूं। हृदेश पराशर जी 19 इज प्रेजेंट, 41 शेखर जी इज प्रेजेंट, 23 जितेंद्र राणा जी इज प्रेजेंट, आकाश पवार जी 3 इज प्रेजेंट, अंकित शर्मा जी 6 इज प्रेजेंट, चंदन शाह जी 8 इज प्रेजेंट, गौरव कुमार जी 16 इज प्रेजेंट, हिमांशु जी 17 इज प्रेजेंट, पवन नेगी जी 30 इज प्रेजेंट, रामदत्त भट्ट जी 38 इज प्रेजेंट, ऋषभ नायक जी 54 इज प्रेजेंट, राखी जी इज प्रेजेंट, जो जो प्रेजेंट है फिर से मैं दोबारा बोल देता हूं। हृदेश पराशर जी 19 इज प्रेजेंट, 41 शेखर जी इज प्रेजेंट, 23 जितेंद्र राणा जी इज प्रेजेंट, आकाश पवार जी 3 इज प्रेजेंट, अंकित शर्मा जी 6 इज प्रेजेंट, चंदन शाह जी 8 इज प्रेजेंट, गौरव कुमार जी 16 इज प्रेजेंट, हिमांशु जी 17 इज प्रेजेंट, पवन नेगी जी 30 इज प्रेजेंट, रामदत्त भट्ट जी 38 इज प्रेजेंट, ऋषभ नायक जी 54 इज प्रेजेंट एंड 37 राखी जी इज प्रेजेंट। तो हम लोग जो है प्रोजेक्ट अप्राइजल पढ़ रहे थे, उसमें जो डिफरेंट एनालिसिस है प्रोजेक्ट के बारे में करना है। तो उसके बारे में हम लोग यहां पर हम लोग स्टडी कर रहे हैं, है ना। दूसरा जो फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन है किसी भी कंट्री का, उसको क्लियर कट आइडिया रहता है कौन सा कंपनी कितना लोन लिया हुआ है, कौन सा अपनी कंपनी प्रॉफिट में जा रही है। तो ये जो आपको फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन है वो आपको काफी हेल्प करती है किसी कंपनी को जानकारी देने में। तो ये जो आपके जो फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन है वो आपको काफी रोल अदा करता है किसी के बारे में। आपको इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड है, वो आपको काफी रोल अदा करता है आपको जो है
वो जानने में किसी कंपनी की क्या हालत है उसको जानने में आपको काफी है, काफी हेल्प करता है। वो आपको कैसे हेल्प करता है, वो फ्रेमवर्क डिसाइड करता है टेक्नोलॉजी रिलेटेड प्रोडक्ट का, ट्रांजेक्शन रिस्क क्या है, स्ट्रैटेजिक रिस्क क्या है, रिपुटेशन क्या है, कंप्लायंस क्या है, ये सारा वो आपको डिसाइड करती है। और दूसरा क्या क्या थ्रेट्स है, इंफॉर्मेशन इंटीग्रिटी रिस्क क्या है, बिजनेस कंटिन्यूटी रिस्क क्या है, वेंडर मैनेजमेंट रिस्क क्या है, ये सारे जो है आपको फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन आपको जो है आपको आपको हेल्प करती है किसी कंपनी के बारे में आपको जानने का। वेंडर मैनेजमेंट के बारे में जो वेंडर मैनेजमेंट का रिलेटेड लिटरेचर, वेंडर डेवलपमेंट, वो मैंने जब मैं आईआईटी में था तो मैंने शुरू किया था, वो आपको काफी लिटरेचर हमारे अवेलेबल है वेंडर डेवलपमेंट पे, वेंडर मैनेजमेंट पे। बिना वेंडर डेवलपमेंट का आप कोई कंपनी आप इस्टैब्लिश नहीं कर सकते। मारुति के कई वेंडर्स हैं थ्रू आउट द, आपको गुड़गांवा में, फरीदाबाद में आपको फैले हुए हैं। तो वेंडर मैनेजमेंट में क्या रिस्क है वो आपको फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन आपको बता देगी। इंफॉर्मेशन इंटीग्रिटी में क्या रिस्क है वो आपको फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन आपको बता देगी। बिजनेस कंटिन्यूटी रिस्क क्या है ये आपको बता देगी, है ना। तो कंपनी का क्या क्या रिपुटेशन है, the risk of the earning or the capital arising from the negative public opinion, ये आपको आपको जो है आपको financial institution बता देगी। transaction risk जो है ये आपको company आपको बता देगी कि risk of earning capital arising from the problem of the services and the product delivery क्या है, ये आपको आपको financial institution आपको का आपको बता देगी। compliance जो है capital arising from the violation or non-compliance, हाँ बताइए सर। रोल नंबर टू की अटेंडेंस लगा दो सर। हाँ रोल नंबर टू अभिषेक कुमार दुबे जी लग गया। यस सर, थैंक यू सर। है ना, तो हम लोगों ने आज जो है सोशल कॉस्ट बेनिफिट एनालिसिस के बारे में हम लोगों ने स्टडी किया कि किसी भी प्रोजेक्ट लगाने के पहले आप सोशल बेनिफिट आप डिसाइड कीजिए। What is the benefit to the society? Yes, sir. टाटा अफ्रीका में भी उसके प्लांट चलते हैं, लक्ष्मी मित्तल का दूसरे कंट्री में भी प्लांट चलता है, तो आप सोशल बेनिफिट निकाल लीजिएगा ना। तो सोशल बेनिफिट निकल जाने से वहां के पीपुल कभी भी आपको किसी प्रोजेक्ट को अपोज नहीं करेंगे। सोशल बेनिफिट वहां का पीपुल को मिलना चाहिए, तो आपको आपको कभी भी जो है वहां का पीपुल आपको आपको जो है किसी भी प्रोजेक्ट का अपोज नहीं करेंगे अगर सोशल कॉस्ट बेनिफिट है। तो ये सोशल कॉस्ट बेनिफिट आपको निकालना, आपको जो है वो आपको किसी कंपनी का, और वो आपको जरूरी है। तो हम लोगों ने आज जो है रेशनल फॉर द सोशल कॉस्ट बेनिफिट एनालिसिस पढ़ा, मार्केट इम्परफेक्शन पढ़ा, यूनिडो अप्रोच फॉर द सोशल कॉस्ट बेनिफिट एनालिसिंग, शैडो प्राइसिंग, कॉन्सेप्ट ऑफ द ट्रेडिबिलिटी, sources of the shadow prices, methods followed by the financial institution. Financial institution का मैंने भी बताया कि काफी ज्यादा रोल होता है। कोई भी कंपनी कोई भी प्रोजेक्ट करती है वो हमेशा चाहती है कि फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन से हमें हेल्प मिले। तो हर एक फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन को आपको उसको जानकारी होता है हर एक कंपनी के बारे में, उस एरिया के कंपनी के बारे में कि उसका जो कंपनी कैसा चल रहा है, लॉस में चल रहा है, प्रॉफिट में चल रहा है, उसने जो लोन लिया हुआ है। तो ये फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन ना वो उसको जो है वो आपको सही आपको आपको रिकॉर्ड बताता है। तो ये आपको आज जो है सोशल कॉस्ट बेनिफिट एनालिसिस के बारे में हम लोगों ने जो है स्टडी किया। What is the social cost benefit analysis? Society को क्या जो है आपको social cost जो आपको निकाल रहे हैं, तो ये आपको society को क्या benefit है, है ना? तो उसमें पहला था market imperfection. Market imperfection निकालना जरूरी है. Providing of the minimum wage rate. आप ये पहले decide कीजिए कि कौन सी state में, कौन सी country में आपको मिनिमम वेज रेट कितना है, वो रेगुलेशन उसका गवर्नमेंट का क्या है,
ये आप जा आप डिसाइड कीजिए, किसी दूसरे कहीं भी आप लगाना चाह रहे हैं तो आप इसको पहले डिसाइड कीजिए। रैशनिंग फैक्टर जो है, रॉ मटेरियल का प्राइसेस जो है गवर्नमेंट से कंट्रोल होता है। अभी जैसे जीएसटी आपको 18% लगा हुआ है, तो ये आपको रैशनिंग फैक्टर गवर्नमेंट डिसाइड करती है कहां पर जो है रॉ मटेरियल कितना लगेगा, ये आपको गवर्नमेंट से डिसाइड करती है। ये आपको प्रोजेक्ट के बारे में आपको आपको आइडिया बता देगा, है ना। दूसरा फॉरेन एक्सचेंज रेगुलेशन फैक्टर, फॉरेक्स को बारे में स्टडी कीजिए। अगर आपको मल्टीनेशनल कंपनी का जाना है, दूसरे कंट्री का जाना है, तो एक्चुअल मार्केट रेट आपको फॉरेक्स का आपको पता करना पड़ेगा। यू हैव टू डील विद द करेंसी रेट, वी हैव टू डील विद द करेंसी रेट, उसका क्या है, तो मार्केट इम्परफेक्शन आपको यहां पर आपको आपको जानना जरूरी है। मार्केट इम्परफेक्शन आपको जानना जरूरी है। दूसरा एक्सटर्नलिटी में व्हाट आर द नॉन केस बेनिफिट इफ द प्रोजेक्ट स्टार्ट। नॉन केस बेनिफिट क्या है, what are the externalities are there, what are the non case benefits are there when the any of the project start nearby any of the village, uska aapko kya hai? Tax and subsidies sabse major role aapko decide karte hain। Government se jab koi plant khulta hai na, to government se unke contract ho jate hain ki itna tax laga hoga, itna subsidy hoga, wo government ke contract pe aapko government se aapko contract ho jata hai for operating any of the project। तो टैक्स कितना लग रहा है, सब्सिडी कितना मिल रहा है, हर एक गवर्नमेंट को अपने अपने यहां प्लांट लगाने के लिए, प्रोजेक्ट लगाने के लिए टैक्स जो है, टैक्स में आपको आपको ढील देना चाहिए और सब्सिडी प्रोवाइड करना चाहिए। डिफरेंट टाइप की सब्सिडी आप जो है प्रोवाइड करना चाहिए। अगर आपने कोई कोई नया प्रोडक्ट बना लिया है, ऐसा आइटम बना लिया है कि आप जो है आप विदेशों को भेज सकते हैं, आप फौरन से मनी अर्न कर सकते हैं, तो गवर्नमेंट को चाहिए कि उसको सब्सिडी दे दिया जाए, उस कंपनी को सब्सिडी दे दिया जाए। आरएनडी सब्सिडी से काफी फर्क पड़ता है, आरएनडी सब्सिडी से किसी कंपनी का काफी फर्क पड़ता है। अगर गवर्नमेंट जो है सब्सिडी देती है ना, तो काफी फर्क पड़ता है। तो टैक्स एंड सब्सिडी आपको बहुत ही मोटिवेटिंग फैक्टर है फॉर एस्टैब्लिशिंग एनी ऑफ द प्लांट। कौन सा स्टेट आपको टैक्स एंड सब्सिडी में आपको ढील देता है, सब्सिडी कहां ज्यादा मिल रही है आपको, वहां पर आपको गवर्नमेंट पे आपको डिपेंड करता है। तो उसमें आपको इन टर्म्स ऑफ द प्रोजेक्ट आपको क्या सेविंग हो रहा है, इंपैक्ट ऑफ द प्रोजेक्ट ऑन द सेविंग एंड इन्वेस्टमेंट में आपको क्या हो रहा है, इंपैक्ट ऑफ द प्रोजेक्ट ऑन द इनकम डिस्ट्रीब्यूशन में आपको क्या हो रहा है, ये सारा आपको ये सारा आपको आपको क्लियर करता है ना। तो ये आपको सोशल कॉस्ट आपको बेनिफिट सोशल कॉस्ट बेनिफिट एनालिसिस था। तीन चार लड़के अभी स्टूडेंट नए आपको ज्वाइन किए हैं, फिर से मैं आपको अटेंडेंस ले लेता हूं। अंकित शर्मा जी 6 ज्वाइन नाउ, चंदन शाह जी 8 का है बना हुआ, हिमांशु कुंडीर जी अभी नया ज्वाइन किए हैं, नंदिनी जी अभी नए ज्वाइन किए हैं, पवन नेगी जी, अभिषेक कुमार दुबे, तो ये इकोनॉमिक एनालिसिस था। व्हाट इज द रोल रेशनल फॉर द सोशल कॉस्ट बेनिफिट एनालिसिस, व्हाट आर द मार्केट इम्परफेक्शन, व्हाट आर द एक्सटर्नलिटी, व्हाट आर द टैक्स एंड सब्सिडी,
What are the concern for the saving? What are the concern for the redistribution? This is the that you have to study about the social cost benefit analysis of the project. ये आपको निकालना आपको आपको जरूरी है. रासनिंग आपको रॉ मटेरियल किस रेट में आपको मिल रहा है, कहां पर कौन सा आपको जगह पर आपको आपको रासनिंग मिल रहा है. मिनिमम वेज रेट आपको डिसाइड करना आपको जरूरी है. फॉरेन एक्सचेंज रेगुलेशन, अगर मल्टीनेशनल कंपनी है वो डिफरेंट कंट्री में लगाती है तो फॉरेन एक्सचेंज रेगुलेशन आपको डिसाइड करना आपको जरूरी है. ये आपको फाइनेंशियल कॉस्ट बेनिफिट एनालिसिस है. टैक्स एंड सब्सिडी, वो मैंने आपको बताया टैक्सेस आर द मॉनेटरी कॉस्ट, वो बिल्कुल मॉनेटरी कॉस्ट है. थोड़ा सा भी टैक्स आपको आपको घट जाता है ना, तो चूंकि कंपनी का टर्नओवर ज्यादा होता है, करोड़ों में होता है, इसीलिए आपको काफी सेविंग हो जाता है. 2-4% का भी आपको टैक्सेस में आपको अगर आपको सेविंग मिलता है तो टर्नओवर ज्यादा होने के कारण काफी आपको 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 जो है उसमें आपको आपको बेनिफिट मिल जाता है. तो टैक्स एंड सब्सिडी वो आप देखिए कि भाई कौन सी जगह पे आपको टैक्स एंड सब्सिडी आपको बेटर मिल रहा है ना. कंसर्न फॉर द सेविंग, ये आपको स्टडी आपको करना जरूरी है. कैलकुलेशन ऑफ द फाइनेंशियल प्रॉफिटेबिलिटी मेजर्ड एट द मार्केट प्राइस, ये आपको करना जरूरी है. इंपैक्ट ऑफ द प्रोजेक्ट ऑन द सेविंग एंड इन्वेस्टमेंट, ये आपको करना जरूरी है. इंपैक्ट ऑफ द प्रोजेक्ट ऑन द इनकम डिस्ट्रीब्यूशन, ये आपको करना जरूरी है. इंपैक्ट ऑफ द प्रोजेक्ट ऑन द मेरिट गुड्स एंड द डिमेरिट गुड्स, ये आपको करना जरूरी है. है ना, तो ये आपको शेडो प्राइसेस आपको निकालना, ये आपको सोशल कॉस्ट बेनिफिट एनालिसिस आपको निकालना, ये आपको जरूरी है. यूनिटो अप्रोच आपको लगाना आपको जरूरी है. है ना, तो चॉइसेस ऑफ द न्यूमरी द यूनिट ऑफ द अकाउंट वैल्यू फॉर द इनपुट्स आर आउटपुट आर एक्सप्रेस व्हाट यूनिट ऑफ द करेंसी इज देयर करंट वैल्यू और द कांस्टेंट वैल्यू आपको निकालना है विथ रेफरेंस टू व्हिच पॉइंट प्रेजेंट और द फ्यूचर इन टर्म्स ऑफ द कंजप्शन और इन्वेस्टमेंट, ये आपको निकालना जरूरी है. है ना, तो सोर्सेस ऑफ द शेडो प्राइसेस आपको निकालना जरूरी है. इंक्रीज और द डिक्रीज ऑफ द टोटल कंजप्शन इन द कंपनी, डिक्रीज और इंक्रीज इन द प्रोडक्शन इन द कंपनी, इंक्रीज और डिक्रीज इन द एक्सपोर्ट और द इम्पोर्ट, ये आपको शेडो प्राइसेस को आपको डिसाइड करता है. ये आपको तीन सोर्सेस हैं शेडो प्राइसेस के आपको डिसाइड करने का. है ना, शेडो प्राइसेस को आपको डिसाइड करने का ये आपको 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 तीन च्वाइस है.